मैं हूं नेहा पंत और अब न्यूज 18 इंडिया पर वक्त हो गया आपके फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। मैं आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक उनका ये घोषणा पत्र गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के 5 मुद्दों पर टिका है। इस घोषणा पत्र का सबसे बड़ा नारा है गरीबी पर वार 72,000। ये वो वादा है जो राहुल गांधी ने घोषणा पत्र से पहले ही कर दिया था। गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार रह रहे हैं उनको 6,000 रुपए महीने की मदद सीधे उनके खाते में दी जाएगी। एक साल में ये रकम 72,000 की होगी। हालांकि बीजेपी ने इस घोषणा पत्र के उन बिंदुओं पर हमला बोला जिन पर कांग्रेस अध्यक्ष का जोर नहीं था। जी हाँ, मसलन कश्मीर, देशद्रोह और राष्ट्रवाद। अरुण जेटली ने घोषणा पत्र को देश के लिए खतरनाक करार दिया और कहा कि ऐसे वादे देश तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस गरीबों को साल में 72,000 देने का अपना वादा पूरा कर पाएगी? दूसरा बड़ा सवाल, क्या कश्मीर में अलगाववाद को लेकर कांग्रेस का रुख ज्यादा लचीला है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या अरुण जेटली का इस घोषणा पत्र को टुकड़े टुकड़े मैनिफेस्टो कहना सही है? इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे आज की बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले ये सवाल उठे हैं क्योंकि आज कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है, इसे लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, 72,000 से बनेगी राहुल सरकार? 2019 का ऐतिहासिक जन घोषणा पत्र उसका अनावरण करेगी। कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र के साथ ही साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की नजर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों पर है। अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर राहुल गांधी ने नारा दिया गरीबी पर वार 72,000। गरीबी पर वार 72,000 और ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा रोजगार है। पार्टी का दावा है कि वो सरकारी नौकरियों में खाली पड़े तमाम सरकारी पद भरेगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में भी रोजगार पैदा करने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे अहम है अपना रोजगार शुरू करने वाले नौजवानों को 3 साल तक हर तरह की छूट। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत है। किसानों की कर्ज माफी से चुनावी फायदा उठा चुकी कांग्रेस एक बार फिर उन पर मेहरबान है। राहुल गांधी ने वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो किसानों का अलग बजट होगा, लेकिन उससे लुभावना ऐलान ये कि किसानों का कर्ज न लौटा पाना अब आपराधिक नहीं दीवानी का मामला होगा। किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए, तो ये हमारा पहला स्टेप और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस। इसके अलावा कांग्रेस के एजेंडे पर शिक्षा और स्वास्थ्य है। कांग्रेस का वादा है कि वो जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेगी और स्वास्थ्य की सरकारी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इन वादों, खासतौर पर न्याय योजना को धोखा करार दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि ये घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े गैंग ने बनाया है। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन ड्राफ्टेड बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट्स फ्रेंड्स इन द टुकड़े टुकड़े गैंग। अरुण जेटली ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल था कश्मीर और वो इसी एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देशद्रोह कानून खत्म करने के वादे को बीजेपी इसी तरह देख रही है। ये रूल्स, रेगुलेशंस और कानूनों का रिव्यू होगा। ये स्पष्ट है कि जितना अधिक आतंकवाद हिंदुस्तान को झेलना पड़ा है पिछले 72 वर्षों में किसी और दुनिया के देश को नहीं। हालांकि कांग्रेस की कोशिश अपने एजेंडे को रोजगार, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य तक ही सीमित रखने की है, लेकिन बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है आने वाले दिनों में सियासी अखाड़े में सवाल इस पर भी पूछे जाएंगे। और अब सुनिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल।
हमारा सवाल सीधा है, क्या गरीबी परिवार 72,000 ये नारा राहुल गांधी को सत्ता दिला पाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP space Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP space N लिखें, और आप अपनी राय 51818 पर हमें भेजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #Congress का घोषणा पत्र के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए बड़ी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच क्योंकि ऑडियंस में आज बड़ी संख्या में आम जनता, आम लोग मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, आप हमारे इस डिबेट शो में आए हैं आज। और आइए अब मेहमानों से मैं परिचय आपका करा दूं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपनी बात वो रखेंगे, और उनके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अग्निजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जफर सरेशवाला भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी इसे देश को तोड़ने वाला घोषणा पत्र कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं। जफर सरेशवाला क्या सोचते हैं हम उनसे जानेंगे। और इस चर्चा में मैं आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका आचार्य जी। जल्द ही बीजेपी के प्रवक्ता KK शर्मा जी भी हमारे साथ होंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभय दुबे जी, आपको बधाई, आज कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आया है, और 2019 के इस चुनाव में अगले 5 साल अगर आपकी सरकार आती है तो देश किस दिशा में जाएगा, आपने इस मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है, और देश की जनता ने जितना सुना और पढ़ा होगा उन्हें एक आइडिया मिला होगा, समझ भी आया होगा। जो बातें उतनी चर्चा में नहीं आई हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र के जो 30वां बिंदु है उस पर चर्चा हो रही है, 124A, आप लोगों ने कहा है आएंगे तो इसको हटाएंगे, और आप, मैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये देशद्रोह की धारा है। आपको लगता है कि देशद्रोहियों को आसानी से बचकर जाने देना चाहिए, उन पर लगने वाली जो धारा है उसी को खत्म कर देना चाहिए? देखिए नेहा जी, आखिर देशद्रोही है कौन भारत की सरकार के दृष्टिकोण में, जानते हैं आप लोग? मोदी सरकार ने बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार इस धारा का दुरुपयोग किया, सबसे बड़ा आहत कर देने वाला प्रश्न हमारे सम्मुख था, ये देश की जनता जानती भी नहीं। दिनेश बामनिया का नाम सुना है आपने? चिराग पटेल का नाम सुना है आप लोगों ने? हार्दिक पटेल का तो नाम सुना होगा। पटेल समुदाय के सैकड़ों युवाओं पर देशद्रोह की धारा मोदी सरकार ने लगा दी। दोष क्या था उनका? वो अपनी आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे, वो किसान समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाहते थे कि उनको उनका हक और अधिकार मिल जाए, तो ये मोदी सरकार उन पर देशद्रोह की धारा लगाना चाहती है। देश के इतिहासकार, कलमकार, कलाकार, साहित्यकार, सबको देशद्रोही बना देना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि मैं चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी सबकी हो, और ऐसी धारा जिसका दुरुपयोग कोई भी भविष्य में आने वाली सरकार ना कर पाए। तो आप ही कह रहे हैं कि कानून का मिसयूज होता इसीलिए वो धारा, तो सर इस देश में जितने कानून है सबका मिसयूज होता है, फिर तो सबको हटा देना चाहिए, सरकार कानून की जरूरत ही नहीं है। आखिर प्रजातंत्र है क्यों नेहा जी? हम लोगों का ही सवाल है, हम लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति ही प्रजातंत्र है। अभय दुबे जी, प्रजातंत्र में कानून बनते हैं ताकि नियम कायदे से चीजें चले। अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जो आप मैं सब जानते भली भांति, हर कानून में स्कोप होता है, तो आप उसको दुरुस्त करेंगे या पूरा कानून ही खत्म कर देंगे? देखिए मैंडेट हम इसीलिए तो लेना चाहते हैं देश की जनता से, देश की जनता अगर उसको अस्वीकार करती है तो मैंडेट नहीं देगी। हमने इसीलिए देश के सम्मुख सारी, मतलब देशद्रोही बच के निकल जाएंगे ना? देखिए कौन देशद्रोही सरकार की निगाह में है? ऐसी IPC CRPC में अनेकों प्रोविजन है, अगर कोई राष्ट्रद्रोही होता है तो वो छूट नहीं सकता, लेकिन इरादतन अगर सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते, अपनी सत्ता की भूख के चलते देश के नागरिकों को राष्ट्रद्रोह की धारा। प्रोफेसर अग्निजेश अवस्थी, अफजल गुरु जैसे आतंकी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाला कानून रहे या जाए? मुझे लगता है कि इस देश में और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर मानवाधिकारों का और लोकतांत्रिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का सबसे
बुरी तरह से हनन हुआ है तो 1975 से 77 के बीच में से, आप में से जो यंग लोग हैं उनको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन 1975 से 77 के बीच में आपातकाल में ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, रातों रात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कम से कम 300 प्रोफेसर, जिनमें से मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हमारे अड़ोस पड़ोस के प्रोफेसर उठा लिए गए और उन पर आरोप क्या लगाया गया, मीसा और DIR का आरोप लगाया गया, और उसमें क्या था कि ये फला जगह बस को आग लगा रहे थे, फला जगह जनता को भड़का रहे थे, रात के 12 बजे उठाने के बाद कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। लेकिन आप कहेंगे वो तो इमरजेंसी थी, तो इमरजेंसी तो हर बार नहीं लगती। मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू के समय में 130 बार बैन लगा, मजरू सुल्तानपुरी जैसा शायर एक लाइन जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट लिख दी थी, एक साल से ज़्यादा वो बम्बई की आर्थर रोड जेल में रहे मजरू सुल्तानपुरी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिन लोगों पर लगाया गया, जिन उनके लिए वकील है, इवन भारत की न्याय व्यवस्था में कसाब तक को वकील उपलब्ध कराया गया, कसाब तक को वकील उपलब्ध कराया गया, कानून खत्म करने से नहीं होता, बात यह है नीयत की। बात क्या है, बात नीयत की है कि जिन लोगों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे, उनको कैसे संतुष्ट करें, उनके लिए घोषणा पत्र में एक लाइन लिखनी है, उन लोगों के लिए कैसे संतुष्ट करें जो जम्मू कश्मीर में बैठ करके देश विरोधी बातें करते हैं। आज भी आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस है, उन्होंने कहा कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, एक बात और कहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस लगातार सेना के विरुद्ध या सेना के खिलाफ क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं सर्विंग आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहते हैं, बुलेट प्रूफ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेना के बारे में है, सेना के बारे में, सेना के बारे में ये कहा गया कि सेना जो है वहां से SPA हटा लिया जाएगा, सेना कम कर दी जाएगी कश्मीर में, CRPF हटा ली जाएगी, क्यों, क्योंकि सेना मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है कश्मीर में। आप लोग सहमत हैं इस बात से? आज अगर सेना नहीं होती तो कश्मीर हमारे साथ होता क्या? ये कांग्रेस की मानसिकता, एक बार नहीं, एक 10 सेकंड, नेहा जी 10 सेकंड, 71 में इस देश की सेना ने, इस देश की सेना ने बांग्लादेश का युद्ध जीता, बांग्लादेश बना, 73 में ORP खत्म करके उनकी पेंशन खत्म कर दी गई जो 2015 में दोबारा से शुरू हुई है। इतना कांग्रेस पार्टी सेना के खिलाफ लगातार करती है, उसके लिए मुझे दुख है, कष्ट है, और इस देश की जनता को एक मत बनाना चाहिए। पूछना नहीं, जवाब देना है, बिल्कुल जवाब, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये बड़ा आरोप लग रहा है। अच्छा, इसका जवाब कैसे देंगे? नेहा जी एक नाम बताइए मुझे, टुकड़े टुकड़े गैंग के व्यक्ति का एक नाम। दिल्ली में सरकार मोदी जी की, पुलिस मोदी जी की, आज भी नकाब लगाकर देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले वो लोग हैं कहां मोदी जी? बताइए तो सही, मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा रखते सहयोग करना चाहते हैं, जिनसे अलायंस करना चाहते हैं, 5 साल होने आए हैं मोदी जी, आपको जवाब देना होगा। मोदी जी जब आप एफ्सपा पे सवाल करते कांग्रेस पार्टी से, हमें 2015 की जरूरत नहीं है, मुफ्ती के साथ ये है अरविंद केजरीवाल जिसके सामने झोली फैलाकर बैठे कि दो सीट तो दे दो, हमें कहता है एफ्सपा को खत्म कर देंगे, एफ्सपा को रिमूव करेंगे, तब आप राष्ट्रद्रोही, आप भी तो यही कह रहे हैं आज, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, बनके यही तो कह रहे हैं, एफ्सपा को रिमूव करेंगे, सेना की प्रेजेंस कम करेंगे। सेना चाहती है कि पूरे समय जम्मू कश्मीर में रहे, हमने सामान्य हालत करके दिए, हमने कहा था मोदी जी मसरत आलम को मत छोड़िए, 2014 में चार खानों तो झूठ बोल रही है कांग्रेस, झूठ बोल रही है। मसरत आलम को आपने छोड़ा, कितना झूठ बोला, ऑर्डर नहीं माना, कश्मीर में कितना झूठ बोला, भारत माता की पीठ पर भारत माता की अरे माता की के साजिश और शाब्दिक व्यंजन ये करवाइए मत ना। अबे दुबे जी सुनिए ना मेरी बात, आपके सरकार में, अबे जी मेरी बात सुनिए, अबे जी सुनिए, बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर आज जब आपका घोषणा पत्र आया, सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर ये घोषणा पत्र बनाए। आप न्याय की बात करिए, सब आपसे पूछ रहे हैं देशद्रोह का, ये धारा खत्म करने की बात आप क्यों कर रहे हैं, आप आफ्सपा को रिव्यू करने की बात क्यों कर रहे हैं, आप सेना को कम करने की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसे कैसे बनाएंगे देश? कोई जवाब ही नहीं है। मुझे बताइए क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी जी है कहां, वो मुखौटा लगाए हुए आज तक आपने ढूंढे क्यों नहीं, क्योंकि आप चाहते थे कि वो मुद्दा बरकरार रहे। मुझे तो संदेह होता है कहीं भाजपा के ही लोग तो नारे नहीं लगा रहे थे मोदी जी। शर्मा जी जवाब दीजिए इसका,
जवाब दीजिए, वो खुद को अलग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े मैनिफेस्टो, वो कह रहे हैं हम देश को बनाने वाला मैनिफेस्टो लाए हैं। जवाब दीजिए। एक मिनट नेहा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, इतने युवा मित्र मेरे बैठे हैं और सीनियर लोग बैठे हैं, जवाब दीजिए। जो जेएनयू में, जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े के नारे लगे, और दूसरी समय जो राहुल गांधी और सीताराम योचरी और कम्युनिस्ट के लोग जो जिनके बीच जाकर बैठकर उनको वहां पर उन लोगों ने बल दिया, क्या उस वीडियो को किस सबने देखा या नहीं उस दिन टीवी में? और ये ढूंढ रहे हैं, अरे क्या उसके जो आरोपी थे 8 लोग, उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया नहीं हुई है? कहां और उसको केजरीवाल की सरकार ने अभी दबा के कोर्ट में शामिल होने पहुंचने से पहले रोका या नहीं? अनुमति नहीं दी है? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि आप इस राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। टुकड़े टुकड़े और हम आपके राजनीतिक दल में बैठे वो लोग थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसका समर्थन करने राहुल गांधी थे। वाला मैनिफेस्टो कैसे हुआ? कांग्रेस का मैनिफेस्टो तोड़ने वाला देश को मैनिफेस्टो कैसे हुआ? सिंपल से आपके सामने सारी तथ्य मौजूद है नेहा जी, आप जनता को बताइए ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देशद्रोही कानून को समाप्त कर देंगे। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में जो पीड़ित थे उनकी राहत के लिए किया है। पाटीदार समाज देशद्रोही है क्या? बताओ देखो, मैं पाटीदार समाज क्या है? एक मिनट अबे बोलने देना, मैं बताता हूं। बोलिए ना, उसका मैं आपको बताता हूं इन्होंने और क्या किया है उसके अंदर में। आपने सेना का प्रश्न उठाया, इसके बाद ये कहते हैं कि यदि सेना का अधिकारी, अभी तक क्या रूल है कि यदि सेना कहीं पर दबिश करती है और उससे किसी भी तरह से मान लीजिए कोई आरोप लगाता है कि भाई सेना के अधिकारी ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, क्या? तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उसके अधिकारी को कंप्लेंट लिखा जाता है, उससे परमिशन ली जाती है, तब उस पर केस बनता है। अब ये कह रहे हैं कि आपको सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप यदि जम्मू कश्मीर में किसी के घर दबिश होती है और कोई जाकर केवल FIR लिखा दे तो सेना का अधिकारी जेल चला जाएगा। बताइए इस हालत में कौन सेना का अधिकारी और सुरक्षा बल जाकर आतंकवादियों को ढूंढेगा? ये देश को बनाने वाला मैनिफेस्टो है जो जेटली साहब कह रहे हैं, ये देश को तोड़ने वाला मैनिफेस्टो है। एक मिनट, आपकी बात का जवाब प्रमोद कृष्ण दे रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी दूसरा पॉइंट लेने। कानून की आचार्य जी जवाब दीजिए इसका। इसके लिए राहुल केजरीवाल के तले जमीन से गए थे, बात के लिए राहुल गांधी जी मान हानि का जो केस है, न्याय की मान हानि का जो केस है 25 करोड़ नागरिकों जो है उसको सजाया फसलों के दाम उसके लिए गए थे। इसमें लिखते हैं ये इसमें ये चाहते हैं इन पर विषयों पर बात ही जो मान हानि का केस है बात होगी सर, जिन विषयों पर आप चुप्पी लगा बैठे हैं उन पर भी बात हो रही है, उन पर भी बात हो रही है। आचार्य जी आप बीजेपी की बात का जवाब देना चाहेंगे? आपकी बात जाएगी ऑनर? मैं कैसे सुनूं? आप निजय जी, आचार्य जी अपनी बात रखेंगे। एक मिनट सर, लगातार नहीं, अभी एक घंटे का वक्त है, आप पूरी बात रखिएगा, लेकिन आपकी बात का जवाब आचार्य जी, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर मैनिफेस्टो बनाया है, वरना जम्मू कश्मीर के लिए सेना को लेकर देशद्रोहियों को लेकर कांग्रेस इतना लचीला रुख नहीं अपनाती। देखिए नेहा जी, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ कुल्हाड़ियों के साथ, कुछ आरियों के साथ। तो मैं बड़ी देर बाद आपने मुझे मौका दिया। पहली बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अधिकार है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन इस देश के खिलाफ नारा लगाने की आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती। दूसरी बात ये जो मैनिफेस्टो है ये सच में बहुत अच्छा मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी ने दिया है, क्योंकि जो बीजेपी नहीं दे पाई बीजेपी ने कहा भी हम 6000 रुपया देंगे एक साल में, राहुल गांधी जी ने ऐसी व्यवस्था दी है कि वो 6000 रुपया महीना जा रहा है। अगर इसका मतलब है ये बेरोजगार जो गरीब बेरोजगार हैं उनको एक भत्ता है, उनकी सिक्योरिटी है, इस मैनिफेस्टो का स्वागत करना चाहिए। मगर अफसोस कि ये जो दो बिंदु छेड़ दिए हैं इसमें मुझे लगता है कि जो भी बनाने वाले हैं उन्होंने देश के मौजूदा हालात को ध्यान में नहीं रखा है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय करेक्ट भारतीय जनता अगर पार्टी एजेंडा बेरोजगारी का सरकार सेट करना था तो ये बिंदु उठाकर उसे डिरेल करने की क्या जरूरत थी? नो,
मौका क्यों दिया बीजेपी को? बीजेपी को बहुत बड़ा मौका दे दिया है, वरना बीजेपी लेकिन जो आपने बात कही ना उसमें, क्योंकि जफर सरेश वाला मेरे साथ मौजूद है, एक कमेंट उनका भी बनता है फिर मैं तुरंत आपके पास आती हूं। जफर सरेश वाला जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र का, तुरंत आऊंगी सर प्लीज मुझे आधा मिनट दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल अन्य, आप पूरे एक घंटे मेरे साथ हैं। जफर सरेश वाला जी, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र स्वागत योग्य है। जफर सरेश वाला को क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े मैनिफेस्टो के साथ बनाया या देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया? जफर सरेश वाला अपनी बात रखेंगे। नेहा जी, ये जो मैनिफेस्टो है जी, जी जफर जी, जिसको कहते हैं ना हमारी अंग्रेजी जुबान में इट साउंड्स ग्रेट, यानी दो तीन लफ्ज जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन की जो बात की है। और मैं आचार्य जी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें, इस मैनिफेस्टो में, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, नए ख्याल दिए हैं। लेकिन ये दो बातें, खास तौर से ये आर्म्ड फोर्सेस का जो मामला है और सेडिशन के कानून के बारे में जो बात करके, इन्होंने ऑलमोस्ट सेल्फ गोल किया है, यानी अच्छी खासी चीज को एक गंदगी से छिड़क दी है, एक बात। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि ये 72,000 रुपये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा है, महीने के 6,000 रुपये आएंगे। दूसरा इनकी एक बात यह है कि भाई ये एडुकेशन जो है उसको 6% ऑफ जीडीपी कर देंगे, बिल्कुल। उसके बाद हेल्थ की बात की है इन्होंने, जो वेलफेयर की जो बातें की हैं, खासतौर से नौकरी की बात की है कि भाई 28 लाख नौकरियां जो अभी हैं हम वो दे देंगे। लेकिन एक बात समझ में मुझे नहीं आती कि ये 28 लाख में 22 लाख नौकरियां जो है वो स्टेट के पास हैं। अच्छा, स्टेट इसलिए ये नौकरियां नहीं दे रही कि उनके फाइनेंसिस भी उनको इजाजत देते उसके। तीसरी बात, चौथी बात जो है कि ये करने के बाद मैनिफेस्टो में से कि मेरा ताल्लुक थोड़ा बहुत इकोनॉमी से है और फाइनेंस से है, इस कर ये सारी चीजों के करने के बाद ये मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि भाई हम जीडीपी को 3% रखेंगे। अब मेरा सवाल ये है और मेरे लिए बड़ा मसला है कि ये सारी चीजें करने में मेरे हिसाब से 8 से 10 लाख करोड़ का एडिशनल खर्चा होगा। हमारा जो बजट आउटले है अभी वो 30 लाख करोड़ है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये 10 लाख करोड़ आएंगे कहां से? पैसा कहां से टैक्स बढ़ाओगे? दो सवाल क्या करोगे? जीडीपी आप कह रहे हो कि जीडीपी को भी 3% रखोगे, आपकी बात का जवाब ब्रेक के बाद। 10 लाख करोड़ आएंगे कहां से? ये मेरा आपके इस मैनिफेस्टो में, लेकिन सेल्फ गोल आप कर गए और उस पर सवाल क्यों ना पूछे जाए? प्रमोद कृष्णम साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे थे, थोड़ा सहिष्णुता दिखाएं क्योंकि हम तो पूछेंगे, मैं अभी बड़ा वक्त है, सारे सवालों पर मेहमानों से होगी बात। सवाल सीधा, 72,000 से क्या बन पाएगी, क्या बनेगी कांग्रेस की सरकार? लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अभय दुबे जी, आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर के जफर सरेश वाला ने कहा सेल्फ गोल किया कांग्रेस पार्टी ने, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी बार बार राष्ट्रवाद की पिच पर ला रही है। आप मौका देते हैं, बैठे बिठाए अपने मैनिफेस्टो में आप उन पॉइंट्स को रखते हैं और शांति से उन्हें सिर्फ लिखकर निकल जाते हैं, उन पर बात भी नहीं करते। देखिए नेहा जी, पहले तो सरेश जफर वाला जी इकोनॉमिस्ट है, मुझे संदेह है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जीडीपी को 3% करने का बात की, नहीं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट पढ़िए, हमने कहा फिस्कल डेफिसिट को 3% तक रखेंगे। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, मेरे बात बात करिएगा। आज इंडिया की जीडीपी नहीं कहा, इंडिया की जीडीपी 200 सुनिए प्लीज सरेश जफर वाला जी, 200 लाख करोड़ की है, 950 सेंट्रल जीडीपी तक, जीडीपी तक लफ्ज ही नहीं कहा मैंने भाई, जीडीपी लफ्ज ही नहीं कहा मैंने, जिनमें 50% देश को 3% रखेंगे। अब सुनिए, अगले दो साल में 12% की नॉमिनल ग्रोथ है, नॉमिनल का अर्थ होता है करंट प्राइस पे, 25% जीडीपी बढ़ने वाली है, हमारे पास 1.5% इन 5 सालों में अर्थव्यवस्था अच्छी रही है। ये देखिए साहब, राहुल गांधी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है गरीब हो रही है, बुरे हाल यहां के अर्थव्यवस्था मजबूत है, माना अरे झूठे कुछ तो सर्व करो कांग्रेसियों, झूठ बोलने का, अरे शर्म आप कहता है चाइना का देखते हो, देश
देश तुम्हारा नेता कहता है कि अर्थव्यवस्था जर्जर है, आपने ड्रॉप कर दिया है कि अगले अरे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बता रही 13 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, स्टेटिस्टिकल मिनिस्ट्री कह रही है 4.25 लाख करोड़ रुपए का एस्केलेशन हो गया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बता रही 2018 में 1.5 करोड़ नौकरी अगर अर्थव्यवस्था तबाह है तो आप 70,000 कहां से लाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न, कहां से लाएंगे 3,80,000 करोड़। अभी कह रहे थे कि बहुत ऊपर जा रही है अर्थव्यवस्था का पुरुषार्थ है, 2 साल में हम इकोनॉमी को 25% तक ग्रो कर देंगे, नॉमिनल 2 साल तक 72,000 नहीं मिलेंगे, तो आपने पढ़ा नहीं, ये आपके सत्ता में आने के 2 साल बाद इसको पढ़ा नहीं, अरुण जेटली कह रहे थे ना पहले एक मुर्गी, इसको पढ़िए तो सही, मुर्गी से अंडा, उससे 1,000 मुर्गियां, अरे ये तो रिटर्न, ये जेटली जी मुर्गी पालन का कारोबार करे उनको शोभा देता है, ये पढ़िए मैनिफेस्टो, वो कह रहा है पहले 3 महीने पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, 6 महीने उस पायलट प्रोजेक्ट की स्टडी होगी और नेक्स्ट ईयर से फुल फ्लेश उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी तो ये कह रहे 2 साल बाद करेंगे, अरे सुन लीजिए, अभी तो आप 2 साल में 25% करेंगे नॉमिनली, झूठ आप इनकी झूठ तो सुनिए, और अगले 5 साल में देश की इकोनॉमी 400 लाख करोड़ की जीडीपी होगी, एक और फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम हम लेकर आएंगे, आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी, जो गरीबों का विरोध करते हैं, और स्टेटमेंट जेटली जी ने की दिया है कि भाजपा शासित राज्यों में लागू नहीं करेंगे, आज उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यों में तो भाजपा है, कांग्रेस के 3 राज्यों के साथ मिलकर बनाएंगे, क्यों करोड़ों गरीबों के खिलाफ आप खड़े होना चाहते हैं, किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे तब आप हाउस में कह रहे थे पैसे कहां से लाएंगे, हमने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, सुषमा जी कहती थी पैसे कहां से लाएंगे, अरे आज लागू है 10 करोड़ आदिवासियों को, 86 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं था, कहां से ला रहे हैं बताइए मुझे, अभी लोगों को भोजन दिया, आंकड़े कहां से ला रहे हैं, 86 करोड़ लोगों को, 125 करोड़ लोगों में से 86 करोड़ लोगों को देश में भोजन नहीं था, ये है कांग्रेस का झूठ, और 2 रुपए कांग्रेस कैसा झूठ बोलती है, 86 करोड़ लोगों के पास अर्थव्यवस्था तबाह है, पैसे कहां से लाएंगे, वो हमने दिया खाना, अर्थव्यवस्था तो तबाह है कांग्रेस के मुताबिक, बिल्कुल धराशायी हो रखी है, फिर 72,000 रुपए कैसे मिलेंगे हर गरीब परिवार को, ऐसा है, पहली बात तो इन्होंने खुद कहा कि अर्थव्यवस्था जिस स्तर पर जा रही है उसमें ये संभव, पहली बात तो इन्होंने खुद माना, उसके बाद में बोला एक बात, दूसरी बात अभय जी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला ना, आप सुन लीजिए अभय जी सुन लीजिए, सामने बैठे लोग, मैं फिर बड़े साफ लोन लेना अपराध, बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, रिवोक किया, रिवोक माल्या का नोटिस रिवोक किया अभय जी ने और भगा दिया उसको, अभय जी माल्या बना आपके शासनकाल में, छोड़ दीजिए उसे, जवाब लीजिए नकली चौकीदारी है, ये सेठों के दरबारी है, ये गालों पे, ये चुनावी रैली यहाँ पर नहीं चलेगी, आप आंकड़ों पे बात करिए ना, मैं अगेन कह रहा हूँ, बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, इट्स नॉट ए स्कीम, इट्स अगेन ए स्कैम, ये फिर से एक स्कैम है, इन्हीं के प्रधानमंत्री से जो कहते थे 1 रुपया जाता है तो 15 पैसे पहुँचता है, 2004 में इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, कोई नॉट इवन ए सिंगल, कोई अकाउंट नहीं खुला, अगली बात सुन लीजिए आप विरोध होगा क्या, अभी देश को, अभी इस देश में, और जब आप कहते हैं ना कि सरकारी खर्चे में से बचे पैसे 8 करोड़ ऐसे लोग, अब जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, फिर आप बंद करिए, आपको शर्म आनी चाहिए बीच में बोलते हुए, बोलिए, अरे शर्म नहीं आती आपको बीच में बोलते हुए, शर्म से शर्म को आनी चाहिए, बीच में तो मत बोल रहे, आप घबरा क्यों गए आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला ना, आप इतना घबरा क्यों जाते हो, अभी मेरे और आपके पैसों से, मेरे और आपके पैसों से 8 करोड़ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, आप कहते सरकारी खर्चे में से पेंशन स्कॉलरशिप ये सब मिलती थी, सरकारी खर्चा मतलब मेरे और आपके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे में से, वो पैसा किसका बचा, मेरा और आपका बचा, ये 12,000 करोड़ जो दे रहे हैं ये उसमें बहुत बड़ा स्कैम, उन तमाम लोगों को जो कह रहे हैं ना, मैं तो चाहता हूं कि, मैंने कहीं पढ़ा कि अब कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार की जगह मैं भी बेरोजगार, मैं कह रहा हूं कि मैं भी बेरोजगार का लगा कटवाएं राहुल गांधी, मैं पूछूंगा भाई कितना है 9 करोड़ रुपए कैसे हो गए आपके पास, उसके बावजूद भी आप बेरोजगार हैं, ये तमाम बिचौलियों को फिर से उनको पैसा देने की स्कीम है और नथिंग,
बताइए तमाम बिचौलियों को पैसा देने की स्कीम है आचार्य जी, उसके बाद केके शर्मा जी के पास जाऊंगी जवाब। देखिए मैं झगड़े में तो पड़ना नहीं चाहता, लेकिन नेहा नेहा जी अगर किसी बेरोजगार को कोई नौकरी देने का वादा करे तो ये तो अच्छी बात है। अगर किसी गरीब को 6000 रुपया महीना देने की कोई आदमी वादा करे तो अच्छी बात है। तो मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी से नहीं, एक आप क्या क्या कहना चाहते हैं आप आचार्य जी अपनी बात नहीं जल्दी बोलिए जल्दी नहीं आचार्य जी ने कहा रोजगार देना अच्छी बात है, आपको क्या दिक्कत? रोजगार देना तो अच्छी बात है, लेकिन हम जब इसको कहेंगे हम तो हमें हर महीने हम 6000 देंगे तो पैसे आएंगे कहाँ से? जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि 72000 सीधे अब इसके अकाउंट में अपना आ जाएंगे, राहुल गांधी ने कहा था। बाय हैंड क्यों नहीं दिया? बाय हैंड देने के बाद क्यों नहीं कर रहे? मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ क्योंकि इशू देश के भविष्य का है। अगर कोई किसी को नौकरी देने का वादा करता है ये अच्छी बात है, मैंने कहा, और 6000 रुपया महीना किसी गरीब के घर में जाएगा ये अच्छी बात है। बीजेपी को सुनिए, एक से बात पूरी तो होने दो ना, आपको माइक बात पूरी है, आप ही की आवाज जा रही, बात पूरी होने दो, बात तो ये गलत, दिस इज नॉट फेयर। बोलिए ना आचार्य जी, बात पूरी कीजिए, मुझे शर्मा जी के पास भी जाना है। अब इन्होंने बोली, अब इन्होंने कहा कि वो पैसा कहां से आएगा, तो वो 15 लाख रुपया कहाँ से आया ये भी सवाल करो ना। देख लिया आपने, देख आपने, लिया। आपने देख लिया, कहते ये पैसा कहाँ से आएगा? अरे कहाँ से आएगा? मतलब उन्होंने 15 लाख दे दिए तो ये भी नहीं देंगे 72000? मैंने कहा सवाल करना चाहिए था, 15 लाख कहाँ से दोगे ये सवाल आपने नहीं किया, और आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, आपने नहीं दी, आपने वादा किया। अरे आपने खुद आज कोई दे रहा है नौकरी, अच्छी बात क्या है ये? अच्छी बात, उसको क्यों? ठीक है, 5 साल में जो वादे आपने पूरे नहीं किए, अगर राहुल गांधी के वादे पूरे करने की वादा करता है तो अच्छी बात है। आज कोई रोजगार दे रहा है, एब्सोल्युटली अच्छी बात है। केके शर्मा साहब, केके शर्मा साहब, आप लोगों की सरकार पर बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी यही लगाती है, आप लोगों ने रोजगार नहीं दिए जो वादा आपने किया था। मुझे ये बताइए यूपीए के कार्यकाल में कितना रोजगार मिला? कितना दिया इन्होंने? ये तो अपने पहले उसमें जो घोषणा है उसी में ये नहीं सर, सीधा सवाल है, यूपीए के कार्यकाल में कितना रोजगार मिला? मैं बता रहा हूँ कितना दिया एनडीए की सरकार में पूछे, आप यूपीए बोल रही है मैडम? मैंने यूपीए की सरकार में बोला। हाँ, कांग्रेस की सरकार में। अरे आप विपक्ष में थे ना, उनका आंकड़ा लेकर आए होंगे, होमवर्क किया होगा, बताइए ना। बिल्कुल आपको बता दे रहा हूं, बताइए। यूपीए सरकार में भी इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया है, नंबर वन आंकड़ा बताइए सर। सुन लीजिए, झूठ बताता हूँ। इन्होंने जो वादे किए हैं उसमें क्या झूठ है मैं आपको बताता हूँ। आज आप लोगों ने राहुल गांधी से सुना, 20 लाख भर्तियां जो है अब तत्काल करेंगे, ये बहुत आना। अब मैं आपको लाइन चेंज कर ये सुनाता हूँ मैं इनके इसमें क्या लिखा हुआ है सर। यूपीए के कार्यकाल में 10 में से 8 सालों में 1.5 करोड़ रोजगार मिला। केके शर्मा जी, 1.5 करोड़ रोजगार, ये 4 लाख की बात कर रहे हैं, यहाँ कहते हैं 20 लाख, यहाँ लिखते हैं 4 लाख, ये है कंट्राडिक्शन नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आपने न्यूनतम लाभ की बात की, मैंने तो रोजगार के सुन लीजिए आपको, मैं उसमें तैयारी नहीं करके आए, आप बता ही नहीं पाए कि यूपीए के समय में प्रतिशोध की आग नहीं थी, 2 लाख तैयारी करके आइए, फिर तो अपना पॉइंट रखेंगे आप। सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, और मैं अपने, अच्छा मुझे ये बताइए, छोड़िए आप, चलिए रोजगार की बात हो गई, मैंने बता दिया। केवल यूपीए के बाद कितने किसानों ने खुदकुशी की ये बता दीजिए मुझे, इनके 5 साल यूपीए के कार्यकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की? शर्मा जी, लाखों किसानों ने आत्महत्या की, लाखों का थोड़ा सा ईयर वाइज बता दीजिए, थोड़ा सा। एक मिनट सुन लीजिए ना मैडम, अब अभी सारे डाटा सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, तो आज आप इस पर आइए, मेरे पास अवेलेबल है, आप बताइए ना मैडम। आप पहले घोषणा पत्र की तो सुन लीजिए, जिस पर आप बहस कर रही हैं आप मेरे से। सर, तो घोषणा पत्र में ही तो कह रहे हैं वो किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे, आप कह रहे हैं किसानों के लिए कहाँ लाएंगे? मैं कह रही हूँ कितने किसानों ने आत्महत्या की बताइए ना शर्मा जी, यूपीए के कार्यकाल में कितने किसानों को खुदकुशी करनी पड़ी? लाखों किसानों को करनी पड़ी, लाखों लाख बिल्कुल, यही कहाँ से आंकड़ा ला रहे हैं आप?
और आंकड़े का सोर्स कोट कीजिए और सुन लीजिए, आंकड़े का सोर्स कोट कीजिए, भेज देंगे आप देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, नहीं नहीं समझ रही, शर्मा साहब जनता देख रही है, नहीं नहीं है, नहीं आंकड़ा नहीं है, आप बताइए, अभी कांग्रेस के झूठ, आप ही के कार्यकाल में किसानों की खुदकुशी हुई थी ना, आप लोगों ने 2009 में कर्ज माफी की थी ना, आप बताइए आंकड़ा, बताइए अबे तुम्हें जी, अपने कार्यकाल का आंकड़ा बताइए जब किसानों को खुदकुशी करनी पड़ी। देखिए एक बहुत अच्छा मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ, आपने पूछा सोर्स बताइए, के शर्मा जी की गलती नहीं है, मोदी जी ने 2015-16 के बाद एनसीआरबी के वो डेटा रिलीज कराना बंद करा दिए नेहा जी, वो बेचारे डेटा लाएंगे कहां से, आप तो 43,000 किसानों ने पहले, सुनिए ना मैं बताता हूँ आपको, पहले 3 सालों में के कार्यकाल में कितने किसानों ने खुदकुशी की, नेहा जी झूठ बोलने का यंत्र मत बनाइए, कुछ नहीं बता सर, आप सुनिए, कुछ नहीं बता चाहती, सुनना नहीं चाहती तो पार्लियामेंट का जवाब सुनिए ना, इनके कृषि मंत्री का, नहीं 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 आप अपने कार्यकाल का बताइए, मेरे कार्यकाल का जवाब, मेरे पास आपका भी कच्चा चिट्ठा है, उनका भी है, जवाब इन्होंने दिया है कि यूपीए मतलब लाखों लाख हुए, सुनिए ना, लाखों लाख आत्महत्या हुई, इनके इनके मंत्री ने दिया कि यूपीए सरकार की तुलना में एनडीए सरकार में 22% किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, और मोदी जी कहते रहे ये पार्लियामेंट में जवाब है, मैं बताती हूँ आपको, अबे दुबे जी भूल जाइए, आप दोनों जो है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने आए हैं, 2004 में 18,241, 2005 में 17,131, 2006 में 17,060, 2007 में 16,632, 2008 में 16,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा 2013 में 11,772 पर पहुंच रहा है, आपने 2009 में कर्ज माफी की, और आपके बता दूं 2014 में 12,360, 2015 में 12,602, 2016 में 11,370, सर अलग किसान बजट का खेल मत खेलिए, खेल क्या खेल मत खेलिए, अलग किसान बजट का खेल, एग्रीकल्चर लेबर है उनका डेटा मोदी सरकार ने इसमें से अलग कर दिया, इसलिए आप ये डेटा कम करके बता रही हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो पढ़िए, 6,000 रुपए मोदी जी कहते हैं, होमवर्क करके आइए, घोषणा पत्र लाते हैं जनता को बड़ी बातें कहते हैं, होमवर्क करके आइए, 6,000 रुपए साल किसानों को देने की बात भी मैं आऊंगी, सुन लीजिए 370 पर कांग्रेस का स्टैंड और क्या ये 72,000 का नारा आपकी सरकार बनवाएगा या नहीं, हम तो पूछेंगे, मैं लगातार आज की डिबेट में हम बने हुए हैं, आगे होंगे जनता के सीधे और तीखे सवाल हमारे मेहमानों से, हमारे डिबेट हम तो पूछेंगे, मैं आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम सवाल उठा रहे हैं, गरीबी पे बार-बार 72,000 से क्या इस बार आएगी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है, गर्मा गर्म बहस आपने देखी, जफर सरीच वाला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और इस देश में उद्योगों का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जफर सरीश वाला जी आपसे जानना चाहूंगी, मनमोहन सिंह को क्रेडिट दिया जाता है इस बात के लिए कि इकोनॉमी उन्होंने ओपन अप की, लिबरलाइजेशन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसमें आपको बड़े उद्योगों के लिए कोई विजन, कोई रोडमैप दिखाई देता है, क्योंकि एक तरफ लगातार उद्योगपतियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमला बोलती रहती है मोदी सरकार पर, और अब जो घोषणा पत्र आया है क्या वो उद्योगों के लिए कोई रास्ता दिखाता है सकारात्मक? नेहा जी देखिए, पहली बात तो मैंने ये कहा था कि घोषणा पत्र बहुत अच्छा है, यानी उसमें नई बातें हैं, लेकिन और मैंने ये भी नहीं कहा जीडीपी 3% होगी, मैंने कहा कि जो डेफिसिट जो है वो 3% पे कंट्रोल करने की बात की है, तो इतने ज्यादा खर्च होंगे तो ये कैसे होगा, और बिल्कुल मनमोहन सिंह साहब जैसा इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमी को जानने वाला हिंदुस्तान ने 70 साल में पैदा नहीं किया, वो बात का कोई इनकार ही हम नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो असल सवाल है क्या 72,000 रुपए सत्ता पर ले जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है घोषणा पत्र अगर बहुत अच्छा भी है, क्या कांग्रेस पार्टी वोटर्स के दिल को मना सकेगी इससे, इसलिए कि बात तो असल जीतने की है ना नेहा जी, इलेक्शन जीतना असल है, क्या आप वोटर्स को आपकी बात मनवा सकते हो, क्या वोटर आपकी बात को मानेगा कि उसके पास 72,000 रुपए आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोषणा पत्र बहुत अच्छा होना कम होना ज्यादा होना अपनी जगह पर डाउट हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ घोषणा पत्र में, जफर भाई को क्या डाउट हो रहा है कि क्यों 72,000 मुश्किल होगा गरीब तक पहुंचाना कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए, मैं वही जानना चाहता हूं इनसे
कि 10 लाख करोड़ की जो एडिशनल कॉस्ट आएगी वो कहां से आएगी, मैं ये जानना चाहता हूं। बताइए अभय दुबे जी। हाँ देखिए, अनुमानित 3,60,000 करोड़ रुपए पर एनम, सुन लीजिए कि इसमें कॉस्ट आनी है। ये सवाल तब भी पूछा था सुषमा जी ने कि 1,24,000 करोड़ रुपए जो आप पीडीएस में खाद्य की सुरक्षा का कानून ला रहे हो कहां से लेकर आओगे, जब 72,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी की तब भी चले जाते हैं तो ये कब बताएंगे प्लान? अरे यही तो मैं बता रहा हूं, मैंने बताया 25% जब जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा हमारे पास स्पेस हो। देखिए नेहा जी, ये अगले 2 साल में पूरी तरह धरातल पर हम इस स्कीम को लेकर आएंगे, हमारा वादा है। और एक वादा बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने देश से किया और जिससे मुकर गए हो। हमने देश के नागरिकों को कहा था वनाधिकार का अधिनियम वो लेकर आए। जनता हमारे साथ यहाँ पर है, आप में से कितने लोगों को लगता है 72,000 का वादा कांग्रेस पूरा कर पाएगी? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा बीजेपी लाइव पोल, बीजेपी से लाइव पोल। हाँ ठीक है, देखिए ये तीनों राज्यों में भी ऐसे लाइव पोल बहुत कराए नेहा जी आपने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मैंने जब हम डिबेट में थे तो बताते थे ट्विटर पर 90% लोगों ने कहा बीजेपी आएगी, 97% ने कहा फूलपुर में बीजेपी जीत जाएगी, केराना में, गोरखपुर में। अरे आदित्यनाथ जी के मंदिर के लोगों ने तक वोट नहीं किया ट्विटर पर, 97% धाराशाही। अभय जी, आप टिकट क्यों नहीं मांगते पार्टी से? टिकट क्यों नहीं मांगते आप पार्टी से? टिकट मांगने का कहां प्रवक्ता बने, टिकट मांगिए ना। तो आप अच्छा प्रचार करते हैं, सच्चा झूठा नहीं कहूंगी, अच्छा प्रचार करते हैं, भी करते हैं। ये बताइए निजेश जी, कहां से आएगा ये पैसा? अच्छा और ये बताइए, वो जो 5 राज्यों का जिक्र करते हैं कि हमने कर्ज चुका दिया, आप लोग तो कहते कर्ज चुकाया ही नहीं, धोखा दे दिया। ऐसा है कि नेहा जी, सारी बात आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए। इन लोग कहते हैं 75,000 करोड़ रुपए इन्होंने किसानों का माफ किया था, 72,000 रुपए, उसमें से कितने का हुआ था? सीए जी ने कितने कहा? देखिए एक सेकंड, नहीं बताइए, देखिए नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट 52,000 में से मैं आपको बताता हूँ। और सुन लीजिए, सीएजी ने क्या कहा, आप सुन लीजिए, मैंने आपसे पूछा, आपने बता दिया, अब बोलने दीजिए ना। ठीक है, अब सीएजी ने कहा कि पता है किन आपको इस देश में किस हद तक भ्रष्टाचार जड़ों तक फैला हुआ है उसका अंदाजा नहीं आपको, जो गमलों में खेती करते हैं ना, यानी कि जो नाम के किसान है, एफिडेविट दे दिया मैं किसान हूं, उन लोगों का, नकली किसानों का कर्जा माफ हुआ, वरना इतनी आत्महत्याएं नहीं होती। दूसरी बात सुनिए, असली बात सुनिए, आपको मालूम है इनके समय में बीपीएल अमीर आदमी कौन था जो 22 रुपए पर डे कमाता था, उससे नीचे वाले को 6,000 रुपए देंगे। आप सुनिए, देखिए, अच्छा ठीक है, 22 रुपए जिसको मिलता है, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, मैं जरा जनता से सवाल लेती हूँ। आप मुझे ये बताइए कितनों के कांग्रेस से सवाल है? कांग्रेस से आपका सवाल है, उठिए जल्दी से, एक सवाल पूछिए। कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों के साथ है ये तो बता दिया, लेकिन राम भक्तों के साथ है कि नहीं ये बताए? बहुत अच्छा प्रश्न किया हमने, ये तो बीजेपी से, बीजेपी से किसका सवाल है? घोषणा पत्र में रखते हैं, भगवान राम को धोखा दे देते हैं, ना भगवान राम के ना किसी काम के। ठीक है, बीजेपी से सवाल पूछिए, क्या सवाल है? बीजेपी का रोजगार पे क्या है? बीजेपी का तो एक नारा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार ना मिले तो बेचो पकोड़ा, क्या है? शर्मा साहब जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए। बिल्कुल नेहा जी, रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही फ्रंट पर हमने काम किया है। 14 करोड़ लोगों को हमने जो है मुद्रा लोन देकर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया है, और लाखों युवाओं को हमने आईटी सेक्टर में, आज जब इनके सरकार छोड़ के गए थे केवल 2 मोबाइल फैक्ट्रियां हुआ करती थी इसी नोएडा पर, और आज वहां पर उसकी तो संख्या बढ़कर 128 से ज्यादा हो चुकी है। आज रेल बनाने की रफ्तार, आज सड़क बनाने की रफ्तार, आज जो जिस ढंग से नए आचार्य जी से किसका सवाल है? आचार्य प्रमोद कृष्णम से किसका सवाल है? आचार्य जी से आपका सवाल है, पूछिए आचार्य जी से। आचार्य जी, आपने कांग्रेस का समर्थन किया काफी बातों पे, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपने जो कांग्रेस ने कहा है कि देशद्रोह का ऊपर जो केस है उसको हम हटाएंगे, तो आपका इस पर समर्थन क्या है? और दूसरा यह है कि अगर देशद्रोह की धारा हटाने की जो बात कांग्रेस ने की, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का समर्थन करते हैं उस पर?
एक मिनट, देशद्रोह की जो धारा हटाने की बात कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में की, क्या आचार्य जी उसका समर्थन करते हैं? सवाल देखिए, देश के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, ये मैं पहले कह चुका। तो देशद्रोह की धारा हटाने की कोई औचित्य नहीं बचता है। अगर किसी ने देशद्रोह गलत लगाया तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। पर दो बातें मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि इस देश के सामने दो विकल्प हैं, एक है मोदी जी के वादे पे एतवार करे, एक है राहुल गांधी के वादे पे एतवार करे। मोदी जी के वादे पे एतवार करके 2014 दिया, 2019 में इस देश की जनता को राहुल गांधी के वादे पे एतवार करना पड़ा। करे वादा, 5 साल दे दिया, 5 साल दे दिया बीजेपी। जल्दी 10 सेकंड। इस देश में सबसे पहली जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान की, कितने लोगों को पक्के मकान मिले? 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को। इससे जो वादे किए वो एक भी पूरा किया बात खत्म हो गई। बिजली और रोड। आज का जो सवाल है, एक मिनट, आज नेता ऐप पर हमने लोगों से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उनकी राय पूछी। हमारा सवाल बहुत साफ था, क्या गरीबी पर वार 72,000 का नारा राहुल गांधी को सत्ता दिला पाएगा? ध्यान से सुनिए, कुल 1,08,019 लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। देश भर के 55% लोगों ने ये माना है कि ये नारा राहुल को सत्ता दिला सकता है, जबकि 45% लोगों ने इसके उलट अपनी राय दी। ग्रामीण इलाकों के 59% लोगों ने माना कि राहुल इस नारे के सहारे सत्ता तक पहुंच सकते हैं, जबकि 41% लोगों को ऐसा नहीं लगता है। शहरी इलाकों में 52% लोगों ने गरीबी पर वार 72,000 नारे को राहुल को सत्ता तक पहुंचने वाला बताया। 48% लोगों ने माना इस नारे से राहुल को सत्ता नहीं मिलेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आ गया है, अब आप फैसला कीजिए कांग्रेस पार्टी इन वादों को अमली जामा पहना पाएगी या नहीं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।